Buddha was undergoing Mahaparinirvan under the sal tree in Kushinagara on Mahapurnima, full moon night day. His last dictum was Up Deepo Bhava. Up Deepo Bhava, it means that be a light unto yourself. Apna prakash khud bano. Buddha want to enlighten the whole human civilization by the approach of compassion and human action. We at Magnus Edutech, that is the MagnusIAS, are having the same approach. If we analyze that at present in India, almost 47% of the graduates are unemployable. It is as per our the latest report. And definitely, with such chunk of the people who are unemployed, who are having no employment, then definitely it will be very difficult for them to survive their livelihood, and as well as it is a loss to the nation. So at MagnusIAS, we want to inculcate the feelings of the proper education among the students. And for that, we have chosen the civil services. Question arises, why civil services? Why? Because we understand that the civil services examination is considered as the mother of all the examination. अगर एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए तैयार हो जाता है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लेता है, then the entire avenues of the employability opens for him. He can express himself. वो एक अच्छा लाइफ जी सकता है. अगर वो सिविल सर्वेंट हो जाता है, तो वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट अगर हम बना लेते हैं उसको, with the value, morality, ethics, इस कॉन्टेक्स्ट में, तो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है. वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी थ्रू द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म बाय ए प्रॉपर सिविल सर्वेंट. तो हमने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे मिस्टिसिज्म लोगों ने डेवलप कर लिया है. मिथ ये है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता है. डेफिनेटली नंबर ऑफ पीपल मेक इट डिफिकल्ट. लेकिन अगर हम इसको देखें, इसके सिलेबस को, तो आप पाएंगे कि ये सिक्स क्लास टू टेंथ क्लास के मैक्सिमम बुक्स को इंटीग्रेट कर लिया जाए तो हमारा जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा हो जाता है. दैट कंप्राइज 80% ऑफ द सिविल सर्विसेज सिलेबस, प्रोवाइडेड इट इज लिंक्ड विद द न्यूज़पेपर. और हम यही करते हैं. हमने MagnusIAS का वेबसाइट बनाया है, जिस वेबसाइट पर हम करीब करीब 1200 ऑडियो वीडियो क्लासेज हैं, जो क्लासेज आपके सिक्स क्लास टू टेंथ क्लास का पूरा कवर करता है. और साथ में हम डेली का डेली न्यूज़पेपर एंड डायनेमिक पेपर का एनालिसिस करते हैं और उसको जोड़ते हैं सिक्स क्लास टू ट्वेल्थ क्लास के बीच में. एज ए रिजल्ट क्या होता है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हो जाता है. एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं थी, आज जो हम पढ़ा रहे हैं दैट बिकम्स ऑब्सोलेट, बट इफ़ इट इज लिंक्ड विथ न्यूज़पेपर इट विल ऑलवेज बी अपडेटेड. तो ये हम लोगों का बेसिक अप्रोच यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में होता है. तो हमारा जो स्केड्यूल है एग्जामिनेशन, जो हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, इसको अगर हम स्टडी करें तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ हम लोग जो स्टूडेंट लेते हैं उस स्टूडेंट को नॉर्मली प्रेफर करते हैं कैच देम यंग, कि BA या BSc या ग्रेजुएशन करते हुए बच्चे को फर्स्ट ईयर में अगर हम ले लें और उनको हम नॉर्मली इग्नू का सिलेबस पढ़वाते हैं, और इग्नू का सिलेबस ग्रेजुएशन करते करते उसमें ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं कि जिससे कि सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल पेपर भी ख़त्म हो जाए, और साथ ही हम उसको सिविल सर्विसेज गाइडेंस से हम इस मैग्नस वेबसाइट से जोड़ के डेली का डेली हम क्लास उनको डिलीवर करते हैं, तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई होने की संभावना होती है. और बच्चा जब 21 साल की उम्र तक जब ग्रेजुएशन ख़त्म करता है 21 से 22 साल तक, तो प्रिपेयर रहता है IAS का एग्ज़ाम देने के लिए. इवन अगर वो IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता उस साल, डेफिनेटली अदर एवेन्यूज आर ओपन फॉर हिम, क्योंकि उसके जो वैक्यूम है, जो एग्जाम जो एजुकेशन सिस्टम में जो 6th to 10th 11th 12th करते करते जो वैक्यूम है वो हम पूरा कर ले जाते हैं. यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे यहाँ आए,
लेकिन वो 8-10 महीना में इस लेवल तक प्रिपरेशन हो गया कोई इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई कर गए। लेकिन फॉर दीज स्टूडेंट्स दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम इस अप्रोच के साथ हम चाहते हैं कि जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, SC ST हैं खासकर, या माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनको हम इस प्रोग्राम में ले लें। हम उनको 3 साल तक इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करवा देंगे, और ग्रेजुएशन में वो काफ़ी अच्छा करेंगे क्योंकि सिलेबस भी उसका सही है, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है, वेरी गुड सिलेबस। और इस सिलेबस के साथ जो है हम उनको UPSC की तैयारी अलॉन्ग विथ न्यूज़पेपर कराते रहेंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डोमेन, दैट व्हाट इज द फिनेंशियल पार्ट। फॉर दैट एट MagnusIAS नॉर्मली वी हैव चोजन सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द डिप्रेस्ड कम्युनिटी। उन लोगों को हम तो अपनी ओर से कुछ लोगों से लेते हैं, कुछ को दे रहे हैं। हम आपको कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाएंगे जिसमें कि दिखेगा कि वो कौन से मुशर कम्युनिटी या सिक्किम के लेपचा कम्युनिटी या भील कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो कैसे हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं और उनका क्या फीडबैक है। लेकिन नॉर्मल फीस हमारा ये है कि 35,500 rupees वी चार्ज फॉर दी सब्सक्रिप्शन फॉर दिस MagnusIAS कोर्स। दिस कोर्स इज लाइफ टाइम, दिस इज फॉर द लाइफ टाइम कोर्स। देन बिसाइड्स दिस वन वी आर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर द कोर्स विच इंक्लूड्स द सम ऑफ लॉजिस्टिक पोर्शंस, दैट इज द 5,000 rupees। एंड देन दिस मंथली फीस, दैट इज द 5,000 rupees पर मंथ, दैट इज कमिंग 60,000। सो ऑल टुगेदर वी आर कमिंग 1,05,000 पर स्टूडेंट पर एनम। ओके, विद दैट वन वी कम्प्लीट द ग्रेजुएशन ऑल्सो, दैट इज द एकेडमिक पार्ट। हम चाहते हैं उनको गुरुकुल टाइप का मेंटरशिप में रखने का, और हम रख भी रहे हैं। यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया है पटना में कि हम बच्चों को गुरुकुल टाइप के सिस्टम में रखते हैं ताकि उनका वी होल्ड द हैंड टिल दे सक्सीड, उनका हैंड होल्ड करके एक मेंटरिंग करते रहते हैं। मेंटरिंग एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उनका 24 आवर की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। दे नॉर्मली गेटअप इन द मॉर्निंग, वी नॉर्मली एश्योर दैट दे शुड डू द रिग्रेस एक्सरसाइज योगा फ्रॉम द 6 to 7 AM इन द मॉर्निंग। ओके, एंड इन द इवनिंग आफ्टर 3 o'clock वी स्टार्ट 3 to 5, दैट इज आवर न्यूज एनालिसिस एंड द डायनेमिक पोर्शन, न्यूज पेपर एनालिसिस। वी नॉर्मली प्रेफर द हिंदू, दैट न्यूज पेपर। And what happens after this newspaper analysis, we tell our students that okay, you do the review work, whatever you have studied in the last 24 hours. And then some of the dynamic aspects, like some aspects like what are the budget for the next 24 hours for your study. Then we are telling our students that you send whatever you are writing to us on the Telegram channel. On Telegram, they send their copy to us. We normally see that how they are writing and what they are doing. We are doing the daily mentoring. With this approach, it becomes very easy for the students to compete for the civil services examination, because it is a 3 years journey. No? Even if they are coming for this 1 year programs, definitely in 1 lakh, they are well prepared for appearing in the examinations, especially for the SC and ST. We undertake that they should qualify in the general category, so that their overall economic amelioration, economic development can take place. That will be a great cause for the nation. So in nutshell, I am telling you that this is a very wonderful opportunity which we are providing for the students, especially for the depressed community, so that they can serve the society in a better way, more effective way. That was the vision of the Ambedkar or Gandhi. And we are linking with the value system. We are imparting the great value system in our students, so that they can be better citizen of the country and they can be better civil servant. So this is our dictum, and by this approach, I think that the vast humanity can be enlightened by whatever the dictum the Buddha has told, of deepo bhava, be a light unto yourself. Thank you.